February 2023 in Bellevue, Washington State, USA has changed my life for forever. This is the birth and delivery vlog of my little baby boy. Enjoy the video. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज है 1st of Feb और मेरी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है. जो 31st of Jan को थी ड्यू डेट निकल गई है. तो आज है बायो प्रोफाइल टाइप का कोई टेस्ट है जिसके अंदर NST होगा, स्ट्रेस टेस्ट होगा और भी एक दो टेस्ट वगैरह होने वाले हैं. और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और आज पता चलेगा कि कब तक डिलीवरी होगी या कैसे होगी. तो अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, सब कुछ बहुत एकदम कंफ्यूजिंग स्टेट है अभी फ़िलहाल. तो मैं बताती हूँ आपको जैसा भी रहता है अपडेट. बहुत मुश्किल हो रही है अभी वॉक करने में और सारी चीज़ें करने में. और लेट्स होप कि आज डॉक्टर कुछ डिसाइड करे और जल्दी ही कुछ बताए कि आगे का क्या स्टेप लेना है, क्या करना है. तो गाइज मैं आपको क्विक अपडेट दे देती हूँ. चेकअप वगैरह मेरा हो गया है और एमनियोटिक फ्लूड लेवल AFI बहुत कम आया है, बहुत कम है, 4 point something है. और ये डॉक्टर को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना कम कैसे हो गया सडनली. तो डॉक्टर ने बोला है कि नाउ वी हैव टू इनिशिएट और इंड्यूस लेबर, तो आपको तुरंत एडमिट होना होगा. मुझे लग रहा था कि 4-5 दिन का टाइम मुझे मिल जाएगा लेकिन ऐसा है नहीं. अभी हम लोग वापस आए हैं घर के लिए, कुछ सामान अपना जो भी बैग वगैरह हैं वो पिकअप करेंगे और फिर अब हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल और आज इंड्यूस कर देंगे मुझे. आज है 1st Feb. तो ये है अब तक की अपडेट. आगे की अपडेट मैं देती हूँ बाद में. एंड आई एम सो नर्वस एंड एक्साइटेड टू. अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए. सारा सामान हमने ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए. सारी की सारी चीज़ें बैग में और गाड़ी में रख ली हैं. अब जाके हॉस्पिटल में क्या रहता है, कितना मैं ब्लॉक बना पाती हूँ वो मैं देखती हूँ. और ये अब हम एंटर हो चुके हैं हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में. जिस वक्त मैं गाड़ी में थी मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है और क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है. बहुत धक-धक हो रही थी, बहुत सारे थॉट्स माइंड में आ रहे थे. बट मैं मन ही मन सोच रही थी कि जो भी है आई एम गोइंग टू मीट माई बेबी सून, बहुत जल्दी, जिस चीज़ का इंतज़ार था इतने महीनों से. गौर से देखिए कॉन्ट्रैक्शंस में पॉपकॉर्न खाते हैं. तो अभी रात के 12:30 होने जा रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ. पर डॉक्टर ने बोला है कि अभी इंड्यूस नहीं करेंगे. उन्होंने कुछ टैबलेट वगैरह दिए, जो ओरल टैबलेट टू जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएं, पर उससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं. अभी उसके बाद मे बी शायद से दे विल ट्राई टू पुट अ मैकेनिकल डिवाइस जिससे कि सर्विक्स ओपन हो जाए जितना होना चाहिए. तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है. बाकी मैं ना रूम टूर दे देती हूँ आपको इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा लेबर में चले जाऊँ, पेन में चले जाऊँ और मैं कुछ रिकॉर्ड ही ना कर पाऊँ. तो इस रूम का एक हल्का सा छोटा सा टूर मैं दे देती हूँ पूरे का पूरा. यहाँ पे क्या क्या है फैसिलिटीज़, बेबी से रिलेटेड मदर्स के लिए क्या है और डिलीवरी के लिए क्या क्या और ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे वाटर बर्थिंग वगैरह जो होती है वो भी है बाथरूम में. तो मैं वो सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको एक हल्का सा स्नीक पीक दे देती हूँ डिलीवरी रूम का अमेरिका के. तो ये है. बाकी तो जिन चीज़ों से डर लगता था वो सब लग चुकी हैं, सुइयाँ वुइयाँ सारी. लेट्स सी क्या होता है आगे.
तो ये यहाँ का एक छोटा सा रूम टूर है जहाँ पे ये आपको सामने बेबी का बेसिनेट वगैरह दिख रहा है, जहाँ बेबी की सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जा सकती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आसपास में आप देखोगे कि मैं हूँ, मेरे आसपास में भी एक बेड है जहाँ पे आपके हस्बैंड स्टे कर सकते हैं जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। मुझे और बेबी को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा था, हार्ट बीट, बीपी, एवरीथिंग। उसके अलावा यहाँ पे हिप्नो बर्दिंग का भी ऑप्शन है, जो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप वो भी जाके रिकॉर्ड कर लो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ आपको उनको बेड दिया जाता है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं होती है। और यहाँ पे हिप्नो बर्दिंग का ऑप्शन दिया हुआ है बाथरूम के अंदर, कि अगर आप वो ऑप्ट करना चाहते हो तो वो भी एक बर्दिंग का तरीका है। गाइस, ये है ब्रेकफास्ट जो आज का यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं। इंडियन चीज़ें तो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आई गेस योगर्ट है ना, ये योगर्ट है, इसमें ऑमलेट और इंग्लिश मफिन है, इसमें जूस है। तो ये है ब्रेकफास्ट आज का सुबह सुबह का, और सुबह हो चुकी है, 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी डायलेशन उतना नहीं पहुंचा है, डिज़ायर डायलेशन नहीं हुआ है। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मुझे हेल्प करने के लिए आई थी हॉस्पिटल में खाना लेके घर का, और मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करा रही है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा सर्विक्स इजीली ओपन हो जाए। 2 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद वो टाइम आ गया, सुबह के टाइम 4:30 बजे के करीब। वी गॉड ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेबी बॉय, यू जस्ट लिसन हिज क्राई। We were waiting for this moment from a very, very long time. We are very fortunate to have him. Babu, बहुत लात मारी है अंदर. And just like that, we became parents, father and mother of Kayan Sharma. Yeah. That sounds so beautiful because we waited for this moment for a very, very long time. And finally he is in our hands, he is in our arms. So guys, अब हम recovery room में shift हो गए हैं। 2 दिन के लंबे labor के बाद, delivery के बाद, ये recovery room है जहाँ पे इन्होंने ये कुछ facilities दी हुई हैं। मैं तो अभी bed पे हूँ और यहाँ पे है baby जो आराम से अभी आराम फरमाया जा रहा है baby द्वारा। ये है, बाकी अंधेरा हो रखा है, अब थोड़ी देर rest करती हूँ, बाकी का update देती हूँ बाद में। और एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एकदम टाइम पे इंडिया से यहाँ पे आ गए हमारे पास में, और बहुत खुशी हुई हमें कि फैमिली को यहाँ देख के पाके। और अभी यहाँ पे उसका एक छोटा सा एक फ़ोटोशूट, न्यूबॉर्न फ़ोटोशूट हो रहा है हॉस्पिटल की तरफ से, तो दे जस्ट मेड हिम वियर सम ड्रेस और उसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो मैं बस शांति से बैठ के सारी चीज़ें देख रही हूँ होते हुए, लाइक अ मिरेकल, यस जस्ट लाइक अ मिरेकल। और मैं बहुत बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन स्टिल आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और वो जो खुशी है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती, आई एम स्पीचलेस, आई डोंट हैव वर्ड्स टू आर्टिकुलेट दैट हैप्पीनेस, हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिस मोमेंट। बच्चे को मिल रहा है पास से। आई विश कि मेरे भी पेरेंट्स, मेरे भी मॉम डैड यहाँ पे होते, मम्मी पापा, तो और भी मज़ा आती, और भी अच्छा लगता। बट स्टिल जो है, जैसा है, उसमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर लेके आओ उसको मेरे पास। और ये है मेरी हालत पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। चलने को ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा गैप आ गया पेट में, क्योंकि इतने टाइम तक बेबी अंदर था तो उसकी वजह से थोड़ी हैवीनेस थी। और अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम पेट खाली हो गया है, और बहुत एकदम लूज़ और बहुत चलने में डिफ़िकल्टी जैसा लग रहा था। तो गाइस, आज है हॉस्पिटल में हमारा 3रा दिन।
मेरी शक्ल की हालत से आपको पता चल गया होगा कि क्या सिचुएशन रही होगी। हम लोग यहाँ 1 तारीख को एडमिट हुए थे और आज 4 तारीख है जब हम जा रहे हैं यहाँ से डिस्चार्ज होके। पहले डिलीवरी रूम में थे 2 दिन, फिर रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल वालों ने, और अभी मैं फाइनली यहाँ से अपने घर जा रही हूँ अपने बेबी को लेके। इस मोमेंट का बहुत टाइम से इंतज़ार था कि कब हम लोग अपने बच्चे को लेके घर जाएंगे, और फाइनली अभी मैं घर जा रही हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, यूरेथ्रा वगैरह में स्वेलिंग थी, तो डॉक्टर वेट कर रहे थे उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए ताकि वो मुझे डिस्चार्ज कर सके और मैं घर जाके वो चीज़ फिर मुझे आगे प्रॉब्लम ना करे। बाकी ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा पेनफुल, ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अभी कार सीट आ गई है, उसमें अभी बेबी को रख के, क्योंकि यहाँ कार सीट बहुत ज़रूरी है, लेके अभी हम चले जाएंगे घर पे, और घर पे वेट कर रहे हैं मम्मी पापा। एंड देखती हूँ आगे क्या रिकॉर्ड करवाती हूँ, क्योंकि अभी शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। जितना ये लिपस्टिक वगैरह भी बहुत हिम्मत करके मैंने लगाई है, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि शक्ल के तो 12 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और ये रूम टूर तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। तो ये रिकवरी रूम का टूर है, ये बेबी का छोटा सा बैसिनेट काइंड ऑफ था, वहाँ पे बेबी की कार सीट है जिसमें अभी बेबी को रखेंगे और लेके जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, और डेफिनेटली लगा ही होगा, बिकॉज प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी इन लाइफ ऑफ एवरी वूमेन। प्रे की सारी लड़कियाँ इस जर्नी से, सारी औरतें इस जर्नी से बहुत ग्रेसफुली और बहुत स्ट्रॉन्ग बन के उभरें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और ये हैं हमारे छोटे से शहजादे, जिन्हें अब हम कार सीट में लगा के ले जा रहे हैं घर पे। आप लोगों में से बहुत लोग जो इंडिया में देख रहे होंगे, उनको एक क्वेश्चन होगा कि हमने उसे क्यों इस तरीके से इतने छोटे बेबी को कार सीट में बिठाया हुआ है। और द थिंग इज़ कि बाहर कंट्रीज़ में, एंड मेनली इन अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, आप बेबी को ले जा ही नहीं सकते हो जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिक्योर्ड कार सीट नहीं है आपकी गाड़ी में। तो आप बेबी को घर पर नहीं ले जा सकते हो, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी, की रोड सेफ्टी वगैरह के लिए तो ये लगानी होती है, तो इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती। तो अब मैं घर जा रही हूँ, मैं, अभिषेक और बेबी, और थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे पॉसिबल हुआ आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड, दो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बट स्टिल मुझे पता था कि आज से कुछ साल बाद जब मैं ये फुटेज या ये चीज़ें देखूँगी तो मेरे पास एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होगा मेरी पूरे डिलीवरी एक्सपीरियंस का, और कैसे कैसे जब मैं यहाँ पे थी इस जगह पे, और मेरा बेबी जब मेरे पास आया इस दुनिया में मेरी गोदी में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल से निकल के घर की तरफ, और ये मेरे छोटे से बेबी, प्यारे से बेबी का पहला आउटिंग है हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद। मौसम बहुत ठंडा था उस दिन, उस दौरान बर्फ़ बारिश बहुत सारी चीज़ें हो रही थी आसपास, लेकिन मेरा दिल बहुत वार्म था क्योंकि मैं खुश थी बहुत अंदर से। और कुछ इस तरीके का था मेरा ओवरऑल डिलीवरी और बर्थ का एक्सपीरियंस अमेरिका में। मुझे नहीं पता और भी डिटेल्स मुझे कुछ ऐड करनी चाहिए थी या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन या क्वेरी जो आपको चाहिए कि उसका भी आंसर मुझे देना चाहिए था इसमें, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।